कोई भी सपना है सही कोच का होना चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का का सपना साकार डाउनलोड दू 30 那么。媽媽 प्रणाम सभी लोग को मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आइए आज हम लोग उदावर्त नाम का जो व्याधि है वो उदावर्त व्याधि होती है जो वेगो को धारण करने से होती है उसके बारे में हम लोग और उसके वजह से वेगो को धारण करने से उदावर्त जैसा व्याधि हो जाता है तो उसके बारे में हम लोग आज बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और सभी को मैं आ, कुछ आ, ऐसे चीज बताने वाला हूँ जो आप लोगों ने सुना नहीं होगा वो केवल महाराष्ट्र के वैद्य लोगों को ही पता है और इस पर उदावर्त पे ज्यादा डिस्कशन किया नहीं जाता है लेकिन ये बहुत जरूरी होता है तो हम लोग उदावर्त पे अभी डिस्कस करेंगे उदावर्त व्याधि के बारे में क्या बताया है कि वात विणमूत्र रिंजुम भास्त्र अक्षवोदार वमिंद्रे शुद श्वास निद्राणम ध्रती संभव मतलब वायु विष्ठा मूत्र का वेग वायु का वेग जम्भा नेत्र का छींक, ढकार उल्टी शुक्र तृष्णा और उश्वास, और निद्रा ये तेरह वेगों को धारण करने की वजह से उदावर्त रोग उत्पन्न हो जाता है और ये वायु का ही मेन व्याधि होता है कर्म विपाक ऐसा बताया है कि कभी कभी जन्म के टाइम पे अगर हमारा जो कुंडली है उसमें पाप ग्रह में मध्यगत चंद्रमा रहे और सप्तम स्थान में शनि रहे तो उदावर्त व्याधि होती है श्वास विद्रदी, गुल्म आधमान ये सारी व्याधियां हो जाती हैं तो इसके लिए जब होम वगैरह करने के लिए बोला है शनि देवता और चंद्र देवता के लिए दान करना ऐसा दैव चिकित्सा बताया गया है और बताया है कि न आ, ये तालाब और कुएं को किसी ने नष्ट किया पिछले जन्म में या ब्राह्मणों के क्षेत्र को नष्ट कर दिया तो उसके वजह से आत्मान उदावर्त ज्वर अरुचि और दाह इस जन्म में होता है अब ये उदावर्त व्याधि है ये तो कर्म विपाक वगैरह है जो हमने देखा नहीं है लेकिन ये होता है तो इन्होंने बोला है कि हर जो तेरह वेग है उस पर अब डिस्कस करते हैं और उसकी चिकित्सा हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उदावर्त में वायु अपान वायु अगर किसी ने रोका तो अभी अपान वायु है उसको अगर रोक दिया तो वायु प्रकोपित होता है मल मूत्र भी बंद हो जाता है पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है और वात नि उदावर्त में क्लम होता है मानसिक थकावट होती है पेट फूल जाता है और पेट में बहुत जन वात जन्य पीड़ा होती है और दूसरे भी तोद शूल आदि या फिर कभी कभी हार्ट का प्रॉब्लम ऐसा भी हो जाता है तो इसमें चिकित्सा क्या बताया है कि ऐसे जब पेशेंट आ रहे हैं जो बलून की तरह पूरा हमारा पेट फूल गया अपान वायु के निरोध से और वो हार्ट में भी और वो हार्ट में जाके एट्रियल फिब्रिलेशन साइनस अरिदमिया ऐसे बहुत सारे मरमर ऐसे बहुत सारे और भी व्याधियां कर सकता है तो इसमें स्नेह पान कराना बहुत जरूरी होता है अपान वायु को अनुलोमन करना जरूरी होता है तो स्नेह पान स्वेदन बस्ती विरेचन अभ्यंग और जो गांव में जो तालाब है उसमें जो तालाब में प्राणी मतलब मछली वगैरह है उनका सेवन करना है एरण तेल का सेवन करना है फिर मध्य का सेवन करना है जो कोमल मूली होता है उसका सब्जी या कच्चा खाना है अदरक खाना है और मातुलुंग नाम का जो फल आता है वह खाना है तो इससे क्योंकि वह अनुलोमन करता है तो इससे अपान वायु की दृष्टि की वजह से जो उदावर्त है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है अब बहुत सारे लोग हैं कि आईटी में काम करते हैं या फिर अलग अलग जगह पे काम करते हैं जहां पे मल का वेग का अवरोध किया जाता है है हाँ ना तो अभी आजकल तो पब्लिक टॉयलेट बना दिया है मोदी जी ने लेकिन पहले भी ऐसा होता था कि पब्लिक टॉयलेट नहीं होता था टॉयलेट का प्रॉब्लम होता था तो पुरुष वेग का निरोध या फिर कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं और वहां पे जगह नहीं है तो पुरुष वेग का निरोध करने की वजह से उदावर्त जो होता है उसमें ऐसा बताया कि मल को अगर रोक के रखा तो पेट में गुड़गुड़ -गुड़ शब्द होने लगता है शूल होने लगता है गुदा में परिकर्तिकावत वेदना होती है जैसे कैंची से काट रहे हैं उस तरह से वेदना होने लगती है मलावष्टंब होता है मल का पत्थर टाइप ऐसा बनने लगता है उर्द वायु का ढकार आता है या मल जो है वो मुंह से निकलने लगता है ये सारे लक्षण होने लगते हैं तो इसमें चिकित्सा क्या बताया है कि बस्ती हम लोग काढ़ा का बस्ती या अनुवासन बस्ती दे और अनुवासन बस्ती से मल सॉफ्ट हो जाएगा और निरूह से मल साफ हो जाएगा ठीक है और अनुवासन से तो मल सॉफ्ट भी होगा और निकलेगा भी बहुत ज्यादा लिक्विफाई क्योंकि वो तेल में मिक्स होता है मल और स्वेदन करना, करना बहुत जरूरी होता है पानी में स्विमिंग करना बहुत जरूरी होता है और विरेचन कराएं स्नान कराएं तो ये पुरुष निरोजन्य जो भी संप्राप्ति है उदावर्त की वह भंग हो जाती है पेशेंट को बहुत अच्छा आराम पड़ता है इसी तरह से मूत्र निरोजन्य यूरिन आया है लेकिन हम रोक के रख रहे हैं अपने काम में इतना बिजी है इतना बिजी है कि टाइम नहीं है कि यूरिन पास करके आए या फिर पब्लिक टॉयलेट या नॉर्मल टॉयलेट भी गंदा है किसी ना किसी वजह से अगर मूत्र वे का निरोध कर दिया अवरोध कर दिया तो ये क्या है ना नेचुरल जो हमारा ये रहता है अर्जेस रहते हैं इसको अगर रोक दिया तो कितना भयंकर भयंकर बीमारी होता है और ये हेतु बताया बहुत सारे बड़े बड़े बीमारी पीसीओडी वगैरह फाइब्रॉइड के लिए भी बताया है तो मूत्र निरोजन्य व्याधि में क्या होता है उदावर्त में कि बस्ती में और शीश्न में बहुत पेन होता है पूरा अपने किडनी तक पेन होने लगता है पूरा मूत्राशय बस्ती सब जगह पेन होने लगता है फिर वहां पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जैसे बर्निंग होता है वैसे बर्निंग होने लगता है हेड होने लगता है फिर उसके बाद में ये होता है अपने पूरा शरीर आगे की तरफ झुक जाता है और सारे ज्वाइंट में पेन होने लगता है ज्वाइंट अकड़ जाती है तो इसमें क्या बताया है मूत्र निरोधन्य उदावर्त की चिकित्सा क्या बताए ग्रंथों में कि दूध और पानी को मिक्स करके पीना है मतलब जितना दूध ले उतना ही पानी लेके मिक्स करके पीना है तो इससे ये मूत्र निरोजन्य जो वायु है वह वा अनुलोमित तो होके पेशेंट को अच्छा लगता है या फिर जो कंटकारी का स्वरस है या अर्जुन का छाल है उसका काढ़ा पीने के लिए बोला है या फिर क्या बोला है कि चीनी लेना है गन्ने का रस लेना है या अंगूर का रस या दूध ये देना है या फिर मूत्र और अश्मरी की जो चिकित्सा बताइए वो अगर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है इसी तरह से जम्भा को रोक दिया अभी क्या है कि आप कभी कोई मीटिंग में है और जम्भाई आ रही है आपका नींद पूरा नहीं हुआ और आप जम्हाई कैसे लें अगर जम्हाई लेंगे तो सामने वाला कोई भी वक्ता है उसको ऐसे बुरा लगेगा कि हम इसको पढ़ा रहे हैं और ये सो रहा है तो जम्हाई का वेग रोक दिया जाता है तो उसके वजह से क्या होता है कि अपना जो गला का जो सिराए हैं मन्या के जो सिराए हैं वह दुखने लगती हैं और जो गला है वह अकड़ जाता है वो एक तरह से दि... मतलब दूषित वायु है जो जम्हाई से निकलना चाहता है अगर आपने अवरोध कर दिया तो वो वायु नहीं निकल पाएगा उससे क्या होगा जकड़ाहट हो जाएगा पूरा मन्या में और सर दर्द होने लगता है आंखों के रोग नेत्र रोग होते हैं नासिका के रोग होते हैं मुख रोग होते हैं कर्ण रोग होते हैं और तीव्र होते हैं बहुत ज्यादा एक्यूट कंडीशन में बहुत हाई इंटेंसिटी में होते हैं जब भी आपके पास पेशेंट ऐसे है नेत्र रोग के, नासा रोग के, मुख रोग के, कर्ण रोग के, तो आप इस पे जरूर ध्यान दीजिए कि उन्होंने जिम्भावेग को रोका है। जम्भा के देखो को हंड्रेड परसेंट कान, नेत्र ठीक है उनके रोग होते हैं तो इसमें चिकित्सा में क्या बताया कि स्नेहन और स्वेदन करना है हिक्का नाशक जो भी चिकित्सा बताइए हिचकी की जो चिकित्सा बताइए वह सब देना है और जैसे पुष्कर पुष्कर मुलादि घृत है यष्टि मधु घृत है ये सब जब हम देते हैं तो जम्भाई क्योंकि ऊर्द्व जतुगत है हिक्का में भी वैसे ही वायु का प्रकोप होता है तो वो चिकित्सा कॉमन है वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है इसी तरह से आंसू अगर रोक दिया अगर आपको रोने का मन कर रहा है और किसी का डेथ हो गया या फिर कुछ खुशी का आंसू है या कहीं ना कहीं आंसू को रोक दिया आपने आप ये नहीं दिखाना चाहते कि आप कमजोर हैं और रोकना पड़ रहा है आंसू को और आंसू आ रहे तो उससे क्या होता है आनंद से उत्पन्न हुआ अश्रु या शोक से उत्पन्न हुआ अश्रु अगर इसका अवरोध कर दिया तो सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है शिरोगुरुता होती है आंखों का रोग हो जाता है और जो प्रतिशा है वो कंटिन्यू होता है मतलब सर्दी जुकाम हमेशा रहेगा और वो ठीक नहीं होता क्रॉनिक सैनोसाइटिस हो जाता है और तो इसमें चिकित्सा क्या बोल है कि इसमें ऐसी बातें करें कि बहुत ज्यादा पानी निकले इसलिए काजल वगैरह लगाए और ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी बातें सुनने को बोले वो चिकित्सा में तो और इसको लेकिन ये वेग जो है बताए ना आंखों का अश्रु इसमें उतना वायु का प्रकोप नहीं होता है तो कुछ वैद्य लोग इसको मानते हैं इसमें वेगा विरोध में कुछ लोग नहीं मानते मत मतांतर है लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा पानी पिए और पानी पी के मन को आश्वासित करें मन को शांत करें ये चिकित्सा है और अच्छी अच्छी बातें सुने तो ये जो हस, आ, मतलब मस्तक में गुरुता है 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 हेडेक नेत्र रोग है, है, ये सब ठीक हो जाता है। इसी तरह से किसी को छींके आ रही है तो अगर आप कहीं मॉल में जा रहे हैं मूवी देखने जा रहे हैं कहीं शॉपिंग को जा रहे हैं और छीकेंगे तो दुनिया कैसे बोलेगी कि कैसे भी छींक रहे हैं मुंह में रुमाल भी नहीं लेकिन छीक आ रही है और आपके पास कुछ है नहीं हाथ ढकने के लिए मतलब मुंह ढकने के लिए और छींक का भी आपने रोक दिया समाज में अच्छा दिखने के लिए तो उससे क्या होता है कि वो वायु जो छींक से निकलना चाहता है वह रुक जाएगा और उससे पूरा अपना मन्या जो है गला जो है वो स्टिफ हो जाएगा सर दर्द बहुत ज्यादा होता है मुंह टेढ़ा हो जाता है या फिर माइग्रेन का तकलीफ हो जाता है और सारी इंद्रिया दुर्बल हो जाती है कमजोर हो जाती है आंख कान मुंह नाक ये सबसे उनका काम अच्छा से नहीं हो पाता है तो जब भी आपके पास पेशेंट माइग्रेन का लेके तकलीफ लेके आए कि उनको माइग्रेन है बहुत हेड हो रहा है एक साइड से या एक साइड से सर दर्द हो रहा है तो आप जरूर पूछिए कि छींक आप रोकते हैं क्या और ये हमें बार बार पढ़ना चाहिए कि हमें याद रहे इसमें चिकित्सा बता रहे हैं कि तीक्ष्ण पदार्थों का स्मेल लेना है हमें या न लेना है सूर्य की तरफ थोड़ा देखना है और दूसरा क्या है कि नाक से कैसे भी करके हमें छींक आए तो हमें ऐसे जैसे छोंक वगैरह लगा रहे मिर्ची का मिर्ची का या ऐसी चीजें जिससे छींके आए वह करना बहुत जरूरी होता है और खाना करने के बाद घृतपान करे और अपने जो कंधे हैं और पूरा अपना गला है वहां पे अभ्यंग करें स्वेदन करें नाड़ी स्वेद करें धूमपान करें तो इससे छींक निरोध जन्य जो उदावरता है वह ठीक हो जाता है उसी तरह से ढकार आ रही है उदगार तो बहुत सारे लोग ना ये ढकार को रोक देते हैं लेकिन ये रोकना गलत है आप बाहर जाके उसको ढकार को निकालिए लेकिन आपने अगर रोक दिया अब क्योंकि सोसाइटी में रहेंगे तो ढकार मरेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसे भी इंसान है गवार है इलिटरेट है ये क्या ऐसे ढकार को आ, ऐसे कर रहा है कहीं लेकिन ये वेग को रोकना नहीं चाहिए अगर ये वेग को रोक दिया उद्गार को रोक दिया तो उससे कंठ में कंठ ऐसे भरा भरा लगता है क्योंकि वो वायु जो है निकलना चाहता है डकार का वह बहुत ज्यादा उल्टा जाएगा विम, विमार गमन होगा तो उससे कंठ और मुंह पूरा से भरा भरा लगेगा पूरा बॉडी में पेन होने लगता है और आवाज ही नहीं निकलती है कभी कभी या फिर जो बोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा मिन मिना के बोलते हैं उल्टा पुलटा बोलते हैं और कभी कभी ये हार्ट का भी बीमारी हो सकता है तो क्योंकि वायु जो है ना ये और कभी कभी हिक्का भी करता है अगर ढकार के वेक को तो हिचकी आने लगती है या हार्ट की बीमारी हो जाती है तो इसमें बातनाशक घृत का प्रयोग करना है उर्दू भाग में बातनाशक जो घृत है वातनाशक घृत में दशमूल घृत बहुत अच्छा रहता है डाल के वो अगर लगाए तो भाग में पूरा मुंह नाक कान इन सब में लगाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है स्नेह और स्निग्ध पदार्थ अग्नि में डाल के और उसका धूमपान करें तो इससे उद्घार निरोध जन्य जो ये अः है वह ठीक हो जाता है इसी तरह से उल्टी का वेग आ रहा है अभी क्या है एलोपैथी में क्या रहता है उल्टी का वेग रोकने के लिए उल्टी कोई नहीं करना चाहता लेकिन उल्टी आता है तो क्या करते हैं प्रोटोन पंप इनिवेटर दवाइयां एंटीआईमेटिक ड्रग्स ये सब दे दिया जाता है अगर छर्दी का वेग रोक रहे तो पूरे बॉडी में खुजली आ जाती है ठीक है अगर अम्ल पित्त है और उल्टी आ रही है तो वो अलग बात है लेकिन ऐसे भी उल्टी आ रही है और उसको रोक दिया बार बार रोक दिया गया तो उससे क्या होगा कि खुजली आने लगती है बॉडी में शीत पित्त जैसे संप्राप्ति होने लगती है फिर उसके बाद में अरुचि होती है पूरे चेहरे पे काला काला दाग आने लगता है पिगमेंटेशन होने लगता है स्वेलिंग आने लगती है पांडु रोग होता है खून की कमी होती है ज्वर होता है कुष्ट होता है और हमेशा नौशिया फीलिंग होता है और विसर्प रोग भी हो जाता है तो इसमें छर्दी को वेग से रोकने वाला जो उदाहरत है उसके लिए वमन कराना अच्छा है लंघन कराना अच्छा है विरेचन कराना अच्छा है अभी छर्दी है तो हम लोग कोई मदनपल वगैरह द्रव्य देके या नमक पानी पिला के उल्टी करा दें तो हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा बताए वो वमन अच्छा है लंघन है विरेचन है तेल का अभ्यंग है और बस्ती शुद्धिकर का काढ़ा दे दूध में डाल के और शीरपा बनाए जैसे गोक्षुर वगैरह दे तो इससे क्योंकि गोक्षुर क्यों बोला है यहाँ पे बस्ती शुद्धिकर औषधि क्योंकि हमारे आचार्यों लोगों को पता था कि सीरम यूरिया की रैटनिन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से अः छर्दी आती है यह हमारे आचार्य लोगों को मालूम था तो इसीलिए वो बोलते हैं कि बस्ती शुद्धिकर औषधियों का काढ़ा चतुर्थांश करके ले इसलिए कंचन मैम भी हमेशा बताती हैं कि आप वृक्ष दोषहर क्वाद पीजिए गोखरू काढ़ा पीजिए रिनोग्रेट लीजिए और गोखरू काढ़ा पुनर्निवारिष्ट लीजिए ये बताया जाता है आप कभी भी हमारे आयुष दर्पण में दे देखे तो अपने आचार्य लोगों को भी मालूम था कि जब भी ये आ, आ, मतलब यूरिया करेटनिन बढ़ता है इसलिए बस्ती शुद्धिकर औषधियों का चतुर्थांश दूध डाल के और शीरपाक बना के पिलाने के लिए कहा है और फिर उसके बाद में खाना खाके और उल्टी कर दें ये भी एक चिकित्सा है कि अगर उल्टी का वेग रोका है तो उससे जो तकलीफ हो रही है तो वो उल्टी करके निकाल दें उसी तरह से धूमपान करें रक्त मोक्षण करें यह बहुत ही अच्छा रहता है इसी तरह से अगर शुक्र निरोधक डॉक्टर वी एम महाजन सर आप ये लाइन लाइन जो बना रहे हैं ये बहुत गलत बात है हमारे सेशन में ऐसे मत करिए महाजन सर आपकी इधर से ये लाइनिंग लाइनिंग हो रहा है बहुत गलत बात है शुक्र जो शुक्र शुक्र वेग रोका जाता है है उसकी वजह से क्या है कि मैथुन काल में शुक्र को निरोखलन नहीं होने दिया गया उसको रोक दिया तो मूत्राशय में स्वेलिंग आती है बहुत ज्यादा मूत्राशय में सूजन आ जाती है और वहां का जो मतलब स्टेनोसिस जो रहता है वह हो सकता है यूरेथ्रोसिस हो सकता है जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट है जो स्टेनोसिस के कंडीशन है तो उसमें आपको पूछना पड़ेगा कि आपने शुक्र शुक्रवेग का अवरोध किया है क्या या शुक्राश्मी हो जाती है शुक्र जो है वो अश्मरी का रूप धारण करता है या फिर शुक्र का बार बार स्त्राव कंटिन्यू होते रहता है तो ऐसे में शुक्र वेग को रोकने से जो उदावर्त होता है उसके लिए शुक्राश्मरी की चिकित्सा करें बस्ती कर्म करें अभ्यंग करें गर्म पानी से स्नान कराएं और ये जो बकरे सॉरी मुर्गी का मांस चिकन खाएं और शाली चावल खाएं मध्य पिए दूध पिए और तरुण स्त्रियों के साथ मैथुन करें जिससे शुक्र का जो अवरोध हो गया वह वायु पूरी तरह से निकल जाए यहाँ पे बोला है मैथुन करने के लिए बोला है शुक्र निकल जाता है और तरुण स्त्री के बारे में बोला है कि 16 साल से 30 साल की स्त्री को तरुण स्त्री बोला है यंग बुलाए 30 साल के बाद को वृद्धा बोलाए ऐसा अपने आचार्य बोलते हैं उसी तरह से क्षुदा वेग को रोका किसको बहुत भूख लगी है बहुत भूख लगी है और उसने भूख का वेग को रोक गया तो उसको तंद्रा होगा ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा होगा पूरा बॉडी बॉडी में होगा, पेन बहुत खा नहीं उपवास कर रोकने तो से ऐसा उदावर्त होता है तो इसमें स्निग्ध उष्ण लघु रुचिकारक अल्प और हितकारक भोजन करने के लिए बोला है और सुगंधी फूलों को स्मेल लेने के लिए बोला है ठीक है उससे और स्निग्ध मतलब घी युक्त उष्ण थोड़ा गरम गरम लघु हल्का रुचिकारक टेस्टी चीजें खाना है और अल्प कम खाना है और हितकार बॉडी के लिए जो अच्छा है उपयोगी है वैसा खाने के लिए बोला है तो सुधार निरोज्जन जो उदाहरता है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है इसी तरह से तृष्णा निरोज्जन पानी नहीं मिल रहा है ट्रेन में लोग सफर करते हैं ऐसे जगह पे कभी कभी पहले के जमाने में लोग करते थे कि ट्रेन में पानी नहीं मिलता था आजकल तो पानी अवेलेबल है तो प्यास रोक के रखे या ट्रैवलिंग करते टाइम या पानी है ही नहीं तो ही ऐसे जगह पे गए तो तो उससे क्या है कि बहुत ज्यादा मुंह सूखने लगता है गला सूखने लगता है कान से सुनाई नहीं देता है क्योंकि रस का तर्पण तर्पण करण को कंटिन्यू होता है वहां पे नहीं होगा तो सुनाई नहीं देता है हृदय में पीड़ा होने लगती है क्योंकि रस व्रोत का मूल मूलस्थान हृदय अगर रस को पानी नहीं मिलेगा कार्य कैसे होगा तो हार्ट में बहुत पेन होने लगता है तो इसमें ठंडा उपचार करने के लिए बोला है और इसमें बोल रहे हैं कि सुगंधित पानी को पीने के लिए बोला है ठंडा पानी के लिए बोला है थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी पीने के लिए बोला है जल्दी जल्दी नहीं पीना है तो इसे तृष्णा निरोज्जन और गर्म पानी नहीं पीना है ठंडा पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले मटके का पानी इससे ये उदावट ठीक हो जाता है या फिर ऐसे पात्र में ले जो ये जो मिट्टी का जो मटका होता है ना वो मटके का टुकड़ा डाला हुआ है वैसा या फिर जो ये बोला है कि मिट्टी को गर्म करके और वो पानी में डुबा के वह पानी पीने के लिए बोला है तो इससे तृष्णा निरोधजन्य जो उदा बढ़ता है वह ठीक हो जाता है इसी तरह से जो कोई मेहनत करके आया भाग के आया उसने वह श्वा, श्वास का वेग को अवरोध किया तो उससे क्या होगा कि हृदय रोग हो होता है आप हार्ट के पेशेंट में जरूर पूछेगा कि ऐसा होता है क्या हेतु मूर्छा होता है गुलम होता है तो इसमें मासरस के साथ मसाले युक्त घृत मतलब मासरस लेना है जिसमें घी डाला हुआ चावल के साथ लेना है या युष के साथ चावल को खाना है और विश्रांति करना है आराम करना है तो इससे श्वासोश्वास निरोध जन्य जो उदा बढ़ता है वो ठीक हो जाता है इसी तरह से निद्रा निरोधजन्य अगर नींद आ रही और आप सो नहीं रहे रात रात भर और जानबूझ के कोई कारण से आपको निद्रा का निरोध करना पड़ रहा है ट्रेवलिंग की वजह से या कोई काम की वजह से या चिंता से तो इससे जम्हाई बहुत आती है पूरा बॉडी में पेन होने लगता है आलसपना बहुत ज्यादा आता है फिर उसके बाद में आंखों में बहुत ज्यादा पेन होता है हेडेक बहुत ज्यादा होता है और आंखें ऐसे लगती हैं कि कैसे तो अटक गई हैं इस तरह से होता है या आंखें बंद होना चाहती हैं तो इसमें शर्करा युद्ध दूध पीने के लिए बोला है ठीक है बहुत उत्तम शैया पे सोने के लिए बोला है पाए में पादाभ्यंग करने के लिए बोला है पैरों में और पूरा बॉडी में घी लगाने के लिए बोला है और मन को अच्छा लगे म्यूजिक वगैरह या अच्छे दोस्त अच्छी बातें सुनने के लिए बोला है और बहुत अच्छा नींद लेने के लिए बोला है तो इससे निद्रा निरोजन्य जो बात है ठीक हो जाता है इसी तरह से ऐसे बोल रहे हैं कि वायु कैसे कैसे प्रकोपित होता है तो रुक्ष चीजें बहुत ज्यादा खाया कषाय खाया बहुत ज्यादा कट्टू खाया और या फिर बहुत ज्यादा तिक्त रसात्मक भोजन खाया तो एक वायु प्रकोपित होकर उदावर रोग को उत्पन्न करता है और वायु मल मूत्र अश्रु कफ मेद इन ये जो बाह्य स्रोत है उसमें व्याप्त कर देता है और मल का भी शोष करता है उसकी वजह से जब मल का शोष होने लगता है वायु की वजह से तो हृदय बस्ती और सभी जगह पेट में दर्द होने लगता है हृदय में हृद शूल होने का बस्ती में शूल होगा और बहुत ज्यादा वीकनेस आने लगता है और बहुत ज्यादा ऐसा अनइजीनेस फीलिंग होने लगता है मल मूत्र वायु बहुत कष्ट से निकलता है और श्वास का वेग लगने लगता है आपके पास जब भी पेशेंट आए ना तो आप जरूर पूछिए कि मल मूत्र वगैरह का आपने अवरोध किया है क्या बहुत सालों तक तो श्वास हो जाता है खांसी आती है प्रतिशय होता है दाह होता है मोह होता है तृष्णा लगती है ज्वर उल्टी हिचका हिचकी शिरो रोग मन भ्रांति और कम सुनाई देना ये भी होने लगता है मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है जिनको कम सुनाई देता है कम एज में तो उसका कारण वेगो का अवरोध करना ये हेतु जो बताया वो सच में वैसा ही होता है तो उसमें ऐसा बता रहे हैं कि जब वाद प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है तो ये कंटिन्यू अब ट्रिनाइटस के जो पेशेंट आते हैं जैसे कान में कर्ण श्वेत कर्ण नाद ऐसे हो रहा है आवाज कंटिन्यू आ रही है तो उसमें भी वेगो का अवरोध किया गया है वह देखना पड़ता है कि अपान वायु शुक्र वा, का या कहीं ना कहीं तो वायु का प्रकोप जो मतलब वायु का जो वेग है उसको रोका गया है और धारण्य वेग को धारण किया गया है तो इसमें ऐसा बोला है कि बस्ती शुद्धि कर चिकित्सा विरेचन करना है तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है पानी चार गुना लेना है और एक एक गुना दूध लेना है ये पीने से बहुत अच्छा फायदा होता है लहसुन का सेवन करना है मध्य का सेवन करना है तो इससे गुल मोदावर्त और शूल नष्ट हो जाता है चीनी और पिपली या मिश्री और पिपली लेना है खाना खाने के पहले मधु के साथ तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है और अगर बहुत ज्यादा उदावरता है तो दंती मूल या मदन फल जैसा जो वमन करें तो मदन फल लीजिए या फिर दंती मूल लें या फिर मदन फल को नीरू में डाल के और उसका बस्ती दें तो उससे बहुत अच्छा या फिर उसका ये वर्ती बनाने के लिए बोलाए दंती मूल मदन फल पिपली वेड़ नमक कुष्ट वनस्पति कुलिंजन और गेहूं इसका चुन को गोमूत्र और नींबू के रस में पकाकर और फिर इसको कपड़े में डालकर और फिर उसको अच्छे से निचोड़ के वर्ती बनाना है और वह गुद भाग में रखना है इससे पूरी तरह से उदावर्त जो है वह ठीक हो जाता है इसी तरह से त्रिकटु सेंधा नमक शीरिश चंदन सॉरी कुलिंजन और मदन फल इसको मधु में मिक्स करके घी में मिक्स करके और फिर गुद्ध द्वार में रखना है इससे अना उदावर्त उदर गुल्म शांत हो जाता है फिर हिंग मधु सैंधव एकत्र करके कपड़े में डाल के और उसको घी में डाल के और कपड़े में लपेट के और उसका वर्ती जैसा बना के रखना है हिंग मधु सैंधव और उसको घी मिक्स करके और वो अंदर रखना है इससे पूरी तरह से उदावर्ट ठीक हो जाता है या बाल हरित की यवक्षार अखरोट इन सबको इन सबका चूर्ण को घी के साथ सेवन करने से उदावर्ट ठीक हो जाता है उसी तरह से बोल रहे हैं कि उदावर्त के जो जो औषधियां ली जाती है वह सुबह सुबह पेट साफ करती है और फिर जब पेट साफ हो जाता है तो एक घंटा सोना चाहिए ऐसा चिकित्सा करें फिर उसके बाद एक घंटा सोने के बाद जब भूख लगती है तब खाना खाएं तो उदावर्त तीन दिन में पूरी तरह से ठीक होता है मतलब सुबह उठने के बाद मल विसर्जन के बाद एक घंटा सोना है और उसके बाद भूख लगने पे खाना खाना है ये उदावर्त की चिकित्सा बताइए उसी तरह से त्रिकटु सेंधा नमक फिर काला नमक विड़ नमक फिर त्रिफला दंती मूल बेहड़ा चित्रक मूल ये सबको गोमूत्र में मिक्स करके और इसको क्या करना है कि पकाना है और जो इसका जो मतलब पकाने के बाद जो भी अंदर द्रव्य रहता है वो लेके चावल के साथ खाना है स्निग्ध भोजन के साथ खाना है तो उदावर्त मल मूत्र ये सब अच्छे से निकल जाता है अर्श व्याधि ठीक होता है फिर इसी तरह से हरित की है यवक्षार है निशोत्तर है घी के साथ खाना है तो इससे उदावट ठीक होता है या फिर जो पिपली मूल है गज पिपली है उसको लेके और उसमें थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है और रोगी का बलाबल देख के घी डालकर उसका सेवन करना है उससे उदावट ठीक होता है या हींग लेना है वचा बेड़े नमक शुंठी जीरा की पुष्कर कुष्ट कुलिंजन ये सबको धीरे धीरे लेते रहे घी के साथ तो उदावट नष्ट होता है या फिर जेपाल का जो बीज होता है और शुंठी होता है मरीज पिपली टंकन शार इसको खल में घोटना है और इसको खाना है घी के साथ तो इससे उदावर्त ठीक हो जाता है इसमें परहेज क्या बताया है? उदावर्त में कि विरेचन करना चाहे स्वेदन करना चाहे बस्ती कर्म अभ्यंग और यवान्न खाना है मतलब जो जौ का पदार्थ है जौ खाना है फिर मूत्र का रेचन करना है उसके बाद जब विरेचन हो जाता है तो बल बढ़ाना है तो चिकन का मटन सूप लेना है बकरे का मटन सूप लेना है मछली का सूप लेना है मांस रस लेने मांसरस लेना है मांस नहीं खाना है उसका सूप पीने के लिए बोल रहे हैं फिर मध्य लेना है गाय का दूध घी और ये बोल रहे हैं कि अगर मूत्र वेग का अवरोध किया है तो बस्ती उसके बाद में स्वेदन करना अभ्यंग स्नान घी लगाना अगर निद्रा वेग की वजह से उदा है तो गाय का दूध चीनी के साथ लेके पीना है अगर क्रोध जनित एक चीज इन्होंने और बताया कि क्रोध के वजह से भी उदावर्त होता है तो बस्ती लेना है अभ्यंग स्नान चिकन का मांस चावल और मध्य दूध ये सब लेना है और तरुण स्त्री से मैथुन करना है क्रोध जनित उदावर्त है तो उसके बाद में क्रोध जनित उदावर्त मतलब क्रोध को बहुत ज्यादा गुस्सा है और आपने उसको दबा दिया उसको एक्सप्रेस नहीं किया मन ही मन में उसको दबा के रखा तो जिस तरह से शुक्र वेग को रोका है उसी तरह से क्रोध जनित उदावर्त को भी ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी यही चीज शुक्रवेग निरा, जो चिकित्सा है वही करना है अपथ्य क्या बोल रहे हैं कि मल मूत्र का अवरोध नहीं करना है सब प्रकार के दाल बंद करना है उसी तरह से जामुन नहीं खाना है ककड़ी नहीं खाना है फिर उसके बाद में आ, 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 ऐसे गुरु पदार्थ नहीं खाना है कारक पदार्थ नहीं खाना है विरुद्ध अन्न नहीं खाना है जड़ पदार्थ जो सूखे धान्य होते वह नहीं खाना है उसमें उल्टी नहीं करना है उदावर्त में बहुत ज्यादा घी अति मात्रा में नहीं खाना है फिर कषायर सात्मक चीजें नहीं खाना है वो सारी खट्टी चीजें नहीं खाना है ये जब हम करते हैं तो उदावर फिर तकलीफ नहीं देता है और बहुत रिसर्च हुआ है आयुर्वेदिक वैद्य लोगों द्वारा कि हार्ट के डिजीजेस जितने भी होते हैं आ, मरमर -मर हो गया फिब्रिलेशन हो गया रिगर्जिटेशन हो गया वॉल्स का वो सब उदावर्त की वजह से होता है आपने पढ़ा होगा मिट्रल वॉल रिगर्जिटेशन बाइक स्पाइड वॉल रिगर्जिटेशन वो हमें तो बाद में पता चलता है लेकिन उसका शुरुआत उदावर्त की वजह से या फिर मलवेद मलमूत्र वगैरह का रोकने की वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है अभी आप लोग अनम्यूट करिए और आप लोग बताइए आप लोग का कुछ एक्सपीरियंस है हाँ कोई कुछ बोलना चाहता है इस विषय पे आप लोग जब केस टेकिंग करते हैं ना तो उदावर्त पे जरूर या फिर वेगो का अवरोध हो रहा है कि नहीं उस पर जरूर कॉन्सेंट्रेट किया करिए तो आप लोगों को और भी बहुत अच्छा पता चल जाएगा कुछ बोलिए प्लीज कोई बोलना चाहता है मोनिका मैम रश्मि मैम वर्षा मैम कुछ बोलिए आप सर। जी सर मतलब छींक का वेग रोकने से, से शेर ये वाला एक्सपीरियंस है मुझे बहुत मतलब ऐसा कई लोगों को देखा है कि छींक आती है पर नहीं उस छींक को रोक लेते हैं तो उसके बाद सिर दर्द शुरू हो जाता है और जब तक फिर से छींक उनको ना लाई जाए आर्टिफिशियल तरीके से तब तक वो ठीक नहीं होता जी और सर आ, मेरी भतीजी जब बहुत छोटी थी तो बच्चे हाँ, क्या करते ना खेल-खेल में यूरिन बोकते रखते हैं हाँ, तो उसने का, काफी दिन तक यूरिन पास है तो उसके बाद उसको इतना तो सीधे पेन हो गया कि तो यूरिन पास होनी भी बंद हो फाइनल में एक साल आगे फिर फिर लगा तूरिन तो निकालने का जी ठीक तो है मतलब मैंने जो तो मूत्र का जो हम जो अवरोध करते हैं उसका एक एग्जाम्पल देखा तब तो मैं सर अभी रिकॉर्ड होता है तब तो मैं बीएमएस का एडमिशन भी नहीं हुआ था तब इतनी पुरानी बात है जी, तो तो जी।, जी अभी कल कल या परसों ये अखिलेश तिवारी जी भी एक केस लाए थे ना तो उसमें मैंने बोला था कि आप पढ़ के बताइए तो वो भी तो वेग अवरोधी किया था ना उन्होंने उनके पेशेंट ने और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो वजह से कोई बीमारी आदित्य सर आपने ये जो आयुर्वेद से पेशेंट देखे हैं क्या कि मल मलमूत्र वेग वगैरह धारण करने की वजह से कोई बीमारी हुई ऐसा पेशेंट पे एनालिसिस किया है आपने आदित्य सर सर मैंने मलमूत्र अगर किसी कारण से रुक जाता है तो पेशेंट्स को एम आई मतलब जैसे ऊपर मतलब हार्ट अटैक और उसके पहले देखा है मैंने ऐसा या फिर कई बार ऐसा होता है ओल्ड एज में जैसे कोई बाहर का खाना या सड़ा खाना, खाना खा लिया उसके कारण मतलब अवरोध हुआ और उसके कारण पहले से ही हार्ट की दवाइयाँ चल रही थी हार्ट अटैक पड़ा तो ये देखे मैंने सर ऐसा हाँ तो सर ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आयुर्वेद तो मतलब हेतु पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं वायु की गति इधर उधर हुई की बीमारी शुरू जी, सर। जी और कोई कुछ बताना चाहते हैं डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी डॉक्टर मंदाकिनी मैम वर्षा मैम कुछ और बताना चाहते हैं तो बताइए कृपया आप लोग का एक्सपीरियंस experience... बोलना चाहते हैं तो बोलिए नहीं बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं नहीं बोलना चाहते हैं ठीक है कोई बात नहीं अभी हम सेशन बंद करते हैं अब हम एट फिफ्टीन पे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू प्रणाम सभी लोगों को प्रणाम सर